सामने हजारों की भीड़ तालियां बजा रही थी और मंच पर थे उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। तब अमरोहा जनपद में आने वाला रेहरा संभल लोकसभा का हिस्सा था, जहां से मुलायम सिंह यादव ने ताल ठोकी थी। इसी सीट से मुलायम सिंह के सामने बीजेपी ने बाहुबली डीपी यादव को मैदान में उतारा था। कल्याण सिंह डीपी यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक फोन लखनऊ से आता है, आपकी सरकार गिर गई है, कांग्रेस के जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री बन गए हैं। तब रमेश भंडारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तारीख थी 21 फरवरी साल 1998। रमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। आनन फानन में 10:30 रात को जगदंबिका पाल ने उत्तर प्रदेश के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, जो अब तक कल्याण सिंह कैबिनेट का हिस्सा थे। राज्यपाल के इस फैसले ने सबको चौंका दिया। तब आए के गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह को जैसे ही सरकार गिरने की खबर मिली, फौरन रेहरा की जनसभा को छोड़कर लखनऊ रवाना हुए। राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने मोर्चा खोल दिया। राज्यपाल रमेश भंडारी के खिलाफ वाजपेयी आमरण अनशन पर बैठ गए। कल्याण सिंह के लखनऊ पहुंचते ही मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगा दी और बहुमत परीक्षण का आदेश दे दिया। और अगले ही दिन बाजी पलट गई, जिसमें कल्याण सिंह के पक्ष में 225 और जगदंबिका पाल को 196 वोट मिले। जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और कल्याण सिंह एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। सदन के इस पूरे प्रकरण में स्पीकर केसरी नाथ त्रिपाठी की भूमिका भी खूब आलोचना का केंद्र बनी। दरअसल स्पीकर ने 12 सदस्यों को दलबदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था। हालांकि बाद में उनके वोट घटने के बाद भी कल्याण सिंह के पास बहुमत था। इस घटनाक्रम के बाद जगदंबिका पाल को सियासत में एक नया नाम मिला, वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें